अब्दुल जब्बार व उनके पुत्र अब्दुल जाफर को छूटे मुकदमे में फंसाने को मिलती हैं धमकियां। सपा नेता विनोद चौधरी निवासी 405 ए ओमपुरवा कानपुर अब्दुल जब्बार पर आरोप लगाया गया कि वह इनसे धर्म परिवर्तन की बात कहते हैं। यदि ऐसा है तो वह और भी परिवार अब्दुल जब्बार का पसाया हुआ है। अब्दुल जब्बार की कई पीढ़ी गुजर चुकी और इनकी उम्र भी 87 वर्ष है। आज हमारे चैनल के रिपोर्टर पुष्टि करने गए वहाँ के और लोगों से बातचीत की। वहाँ के लोगों ने बताया कि अब्दुल जब्बार पर आरोप लगाया गया धर्म परिवर्तन वाली बात झूठ है। इन्होंने हम लोगों को करीब 40 वर्ष हो गए बसाए हुए, हम लोगों से कभी ऐसी बात ना की है ना इनके बच्चों ने की, बल्कि अपनी जगह पर मंदिर का निर्माण अब्दुल जब्बार और हम सब हिंदू परिवार ने मिलकर किया है। परवाह ने अब्दुल जब्बार से कहा कि हम सब आपके साथ हैं। यहाँ ये जब्बार भाई की जमीन है चाचा की जी, ये कभी अगर आके आपको हिंदू मुस्लिम इस तरह से कभी किया या खाली करवाने की कोशिश नहीं, करी है किसी, कभी नहीं। कभी लड़ाई दंगा इनके बेटों से किसी से कभी नहीं। आप लोग कई साल से रह रहे हैं? हमको यहाँ 26 साल। तो आपने इनसे मकान खरीदा हुआ है? हमने इनके द्वारा जो है जहीन से खरीदा है। 26 साल से कभी आपका कोई विवाद इनसे नहीं हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ। पूरा पता बताइए। हमने खरीदी जमीन कई साल पहले खरीदी है? 26 साल। तो अभी तक आपसे इनसे कोई विवाद हुआ? मेरा जब्बार चाचा से कोई विवाद नहीं। कभी हिंदू मुस्लिम को लेके कभी नहीं हुआ हमारा और किसी लोगों से? यहाँ जितने बसाए हैं किसी से विवाद नहीं है। आप सभी यहीं के निवासी हो? हम यहीं के निवासी हैं। नहीं नहीं ठीक है, आप लोग आगे 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 आइए। क्या नाम है आपका? कुसुम। तो आपसे कभी जब्बार चाचा से कोई बात विवाद हुआ? कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छे से हमारे बाप दादों की पलखों की है। तो इसमें मुकदमा चल रहा है? इसमें मुकदमा चल रहा है। किससे चल रहा है? ये विनोद चौधरी से कम चल रहा है और भी लोगों से कम चल रहा है। किस कोर्ट में है ये? कम जूनियर, ये जूनियर सिविल कोर्ट से कम चल रहा है। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये दिक्कत आ गई कि वो कम यहाँ के ऊपर ये जा रहा है, ये वहाँ पे कब्जा कर रहा है और ये कम जात पात की बातें कर रहा है। कौन? ये विनोद चौधरी। और ये कह रहा है कि ये कम तुम ये कम मुसलमान हो जाओ और हम तुमको जमीन कम छोड़ देंगे। विनोद चौधरी कह रहा है। तो इसको लेके आपने तहरीर दी थाने चौकी में? दी है। तो पुलिस ने क्या बोला आपसे? पुलिस ने कहा कि ये कम सिविल कोर्ट का मेटर रहेगा। सिविल का नाम श्री ओम प्रकाश है। ये जमीन यहाँ पे जहाँ पर रह रहे हैं, ये क्या पता लगता है इसका? ये 901005 में अभी है और 999 और गफार चाचा पे इल्जाम ये आ रहा है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये पिता हमारे पिताजी ने सन 1980 में जमीन खरीदी थी जब्बार चचा से, जो कि यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, जब्बार नगरी के नाम से फेमस है जी। हमारे पिताजी ने, अब हमारे पिताजी का जो है स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ रह रहे हैं। पिछले जितनी बड़ी मेरी उम्र है तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और चूंकि इनके घर में हमारे यहाँ आना जाना, ईद में मैं इनके यहाँ जाता हूँ, ये हमारे यहाँ त्योहारों में दीपावली में आते हैं और हम लोगों का भाईचारा है, कोई कभी ऐसा संबंध नहीं। तो ये अभी यहाँ पे और भी जैसे मंदिर बनी है इस तरह से अगर आप लोग ने बनाई हो, ये आए हो, इनके बेटे आए हो, विवाद किया हो, ऐसा कुछ है? ये मंदिर बनने में तो इन्होंने सहयोग किया है, खड़े होकर मंदिर बनवाया। इन्होंने ही जो है रिकमेंड किया है कि एक मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर। ये खड़े होकर जब्बार अब्बा और जो इनके बच्चे आए, इन्होंने खड़े होकर मंदिर बनवाया। चाची क्या नाम है आपका? यानो। तो अभी ये कहाँ पे आप खड़ी है? हम मंदिर पर खड़े।